हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह, बोलबोल बॉलीवुड के साथ, और लेकर आई हूं लॉकडाउन के चलते आखिरकार कौन कौन से ऐसे शो हैं जो हो रहे हैं बंद। जी हाँ, ये हम सब जानते हैं, जितना लॉकडाउन के चलते एक आम जनता मैं कह सकती हूँ प्रॉब्लम्स में है, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं बॉलीवुड और टेलीविजन के स्टार्स को भी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हाथ में रहकर भी वो शूट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स भी हाथ से चले जा रहे हैं। उसी के साथ जिस उम्मीद में वो ये है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो हाथ में उनके प्रोजेक्ट्स हैं या जो शोज हैं वो कंटिन्यू उसकी शूटिंग करेंगे, और जो लॉकडाउन के चलते जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया वो धीरे धीरे ही सही उन सारी चीजों से वो उभर जाएंगे। पर ऐसे बहुत सारे शो हैं जो लॉकडाउन के चलते बंद किए जा रहे हैं, जहां पे अगर मैं कुछ आप लोग को ऐसे नाम बता दूं जो ऑलरेडी आपको शायद से पता भी हो, पर उसी के साथ एक और नाम जुड़ गया है जो है जी टीवी का एक बड़ा पॉपुलर शो। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कौन कौन से नाम है जिसका नाम आ चुका है, जहां पे पतियाला बेब्स हम जानते हैं सोनी टीवी का शो है जिसे ऑलरेडी बंद किया जा चुका है। उसी के साथ इशारों ही इशारों में जो आपको सोनी टीवी का शो है उसे भी बंद किया गया है, बेहद टू को बंद किया गया है। वैसे भी टीआरपी के लिस्ट में बेहद कुछ खास नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते ये लॉकडाउन के पहले भी ये खबर आ रही थी कि बेहद टू को बंद किया जाएगा, पर इस बार अब एकदम क्लियर हो चुका है कि बेहद टू को बंद किया गया है। उसी के साथ जहां मैंने आपको कहा था कि नागिन 4 को भी बंद किया गया है, रीवैम्प होके शो नागिन 5 आएगा लॉकडाउन के चलते, और एकता को एक अच्छा मौका भी मिल गया था क्योंकि टीआरपी शो की आ नहीं रही थी, तो इस बार जो आएगा वो नागिन 5 आएगा रीवैम्प करके। उसी के साथ एक और नाम सामने आ चुका है, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अब ये जी टीवी का एक ऐसा शो था जो हमेशा टीआरपी के लिस्ट में टॉप पर रहता था, मतलब टॉप 5 में हमेशा शो अपनी जगह बनाकर रखा था। इस शो को भी बंद करने की बात खुल के सामने आ चुकी है, पर बंद करने का एक अपना ही अलग अंदाज है। जैसे एकता ने एक तरह से बात कही है कि नागिन 4 के बाद रिवैम करके नागिन 5 आएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है गुड्डन स्टार के साथ भी। उन्हें ये बात कहा गया है कि शो में एक नया लीप लिया जाएगा, जहां 20 साल का लीप होगा, 20 साल बाद इस शो को बनाया जाएगा, जहां पे कास्टिंग पूरी तरह चेंज होगी। मे बी शो का पार्ट कनिका रहेंगे जो लीड रोल में आपको नजर आएंगी, बाकी सारे स्टार कास्ट पूरी तरह चेंज हो जाएंगे, जिसके चलते जो भी स्टार कास्ट है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत शॉकिंग खबर है कि इतने मतलब टीआरपी के लिस्ट में होने के बाद भी शो को इस तरह बंद किया जा रहा है। लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं क्योंकि एक तरह से जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो था। पर अगर मैं बात कहूं तो प्रोड्यूसर का जिस तरह का बात कहना है, उन्होंने इस चीज पे साफ तौर पे एक इंटरव्यू के दौरान पे उन्होंने ये बात कहा था कि लीप की बात हमारी ऑलरेडी लॉकडाउन के पहले से चल रही थी, तो ये लॉकडाउन के चलते ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, सारी स्टार कास्ट पहले ही चेंज होने वाली थी। पर जहां तक हम खबरों की जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते ये चीजें हो रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही है, जैसे पटियाला बेब्स हो, बेहद हो, या बाकी सारे जो शोज हैं उनके रेंट नहीं पे किए जा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं एक सेट का रेंट बहुत ज्यादा होता है और वो लॉकडाउन के चलते ऑलरेडी 3 महीने से सेट बंद है, रेंट तो आपको पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से शोज कहीं ना कहीं बंद हो रहे हैं। पर अगर ये लॉकडाउन लंबा चला तो ये बात भी मानना मैं कह सकती हूं कि और भी ऐसे बहुत सारे सेट होंगे, जो ऐसे बहुत सारे शोज होंगे शायद उन्हें भी बंद किया जा सकता है। उसी के साथ एक और चीज खुल के सामने आ रही है कि जो भी स्टार हैं उनके पेमेंट्स में भी कटौती की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सभी के साथ, तो उनकी जो पेमेंट्स है उनमें कहीं ना कहीं 50% से लेकर 40% की कटौती होने वाली है। पर अब ये तो कुछ ऐसे शो हैं जिन्हें ऑलरेडी बंद किया जा चुका है, पर आने वाले वक्त अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे बहुत सारे शो हैं जिनका बंद होने की लिस्ट में नाम आ सकता है। पर ये सारे जो शो हैं उनमें से ऐसा कौन सा शो है जिसके बंद होने पे आप सबसे ज्यादा दुखी हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोलबोल बॉलीवुड के साथ।